नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इग्नोर ज्ञान में। आज हम आपको माँ वैष्णो देवी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जो शायद ही किसी को पता हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। माँ वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर के कटरा नगर में त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। माँ वैष्णो देवी का मंदिर 1200 फीट की ऊंचाई पर और कटरा से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर है। हर साल करोड़ों लोग माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। कहते हैं कि जब माँ वैष्णो देवी बुलाती है तभी उनके दर्शन मिल पाते हैं, और जो कोई भी इंसान सच्चे दिल से माँ का दर्शन करता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। यह मंदिर माता वैष्णो देवी को समर्पित है, जो देवी दुर्गा का एक रूप मानी जाती है। माता वैष्णो देवी का उल्लेख पुराणों में मिलता है। यह कहा जाता है कि माता की जन्म कथा त्रेता युग से जुड़ी हुई है। जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था तब माता ने मानव रूप में जन्म लिया और त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या करने लगी। माता की भक्ति और साधना इतनी प्रबल थी कि उन्हें वैष्णवी के नाम से पुकारा जाने लगा। पुराणों के अनुसार माता वैष्णो देवी ने महाबली रावण के भाई भैरवनाथ का वध करने के लिए देवी का रूप धारण किया था। भैरवनाथ ने मंदिर का पीछा किया था और तब माता ने इस पर्वत पर शरण ली थी। जब भैरवनाथ ने उनकी तपस्या में विघ्न डाला तो माता ने उसे समाप्त करने का निर्णय लिया। अंततः उन्होंने उसे मारने के बाद क्षमा भी कर दिया और भैरवनाथ की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस घटना के बाद से यह स्थान पवित्र माना जाता है। इस मंदिर के पास भैरवनाथ का एक मंदिर भी स्थित है जहां भक्त माता के दर्शन करने के बाद जाते हैं। मान्यता है कि जब तक भक्त भैरवनाथ के दर्शन नहीं करते तब तक उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। मंदिर की गुफा जहां माता वैष्णो देवी की मूर्ति विराजमान है एक चमत्कारी स्थल माना जाता है और उसे अर्धकुंवारी गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा के ठीक पास बाण गंगा है। यह वह स्थान है जहाँ तीर मारकर माता ने प्यासे हनुमान जी की प्यास बुझाई थी। वैष्णो देवी मंदिर आए भक्त इस जलधारा पर स्नान अवश्य करते हैं। यहाँ के जल को अमृत माना जाता है। वैष्णो देवी के मंदिर में गर्भगृह में माता की तीन पिंडियां विराजित है। कहते हैं भैरवनाथ को क्षमा देने के बाद देवी इन तीन पिंडियों में परिवर्तित हो गई थी और हमेशा के लिए कटरा की इस पहाड़ी पर बस गई थी। मान्यता है कि माता की ये पिंडियां साधारण नहीं है अपितु अपने अंदर चमत्कारी प्रभाव लिए हुए है। यह आदिशक्ति के तीन रूप है। पहली पिंडी ज्ञान की देवी माँ महासरस्वती की है, दूसरी पिंडी धन की देवी माँ महालक्ष्मी की है और तीसरी पिंडी शक्ति सब रूप माँ महाकाली की मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त दिल से इन तीन पिंडियों के दर्शन करता है उसे ज्ञान धन और बल तीनों की प्राप्ति हो जाती है। इतिहासकारों के अनुसार यह गुफा सैकड़ों वर्षों से श्रद्धालुओं का तीर्थ स्थल रही है, लेकिन इसका सबसे पहला प्रमाण महाभारत के समय का है जब अर्जुन ने भी माता की आराधना की थी। इसके अलावा यह माना जाता है कि पांडवों ने यहाँ गुफाओं का निर्माण किया था। आज वैष्णो देवी मंदिर देश के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है, जहाँ पर हर धर्म और जाति के लोग आकर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। यह स्थल सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यह था वैष्णो देवी मंदिर का एक छोटा सा इतिहास। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल इग्नोर ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय माता दी।